We are going to learn one important thing, connecting the SQL. How are you going to connect the SQL? Is that I'm going to show. For that, हमें किन किन चीजों की जरूरत है, what we need, the ingredient, what is the important thing. One library we need is called import py my SQL, because we are working on SQL. तो हमें import करना है, और आपके इसमें ये इंपोर्ट नहीं हो सकता इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल. तो इसके लिए पिप इंस्टॉल माय एसक्यूएल डालना है आपको, और ये इंस्टॉल हो जाएगा. मैंने इंस्टॉल कर चुका है, तो मैं वापस से करने नहीं वाला हूँ. बट फॉर योर काइंड इन्फो, मतलब आपके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है आपको. तो ये आप पिप इंस्टॉल माय एसक्यूएल लिखना है, py माय एसक्यूएल. तो ये मैंने इम्पोर्ट कर लिया है. ओके, सो अब मैंने कमेंट आउट कर दिया, आपको करना है तो कर सकते हो. तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें कहाँ पे स्टोर करना है. तो हम इसको एक एसक्यूएल बोल के लिख देंगे, और इसको हम अभी यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज पीवाई माई एसक्यूएल, और इसमें जो मेथड है हमें यूज करना है उसका नाम है कनेक्ट. तो कनेक्ट यूज करेंगे, और हमें क्या क्या किन किन जरूरत, व्हाट आर द पैरामीटर वी नीडेड. फर्स्ट पैरामीटर इज होस्ट, सेकेंड पैरामीटर इज यूजर, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस. दीज आर द फोर मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर वी नीडेड. हमें किसी भी चीज की एक रेसिपी बनानी है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं. उसी तरह से इसमें चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, होस्ट, यूजर, अनदर इज पासवर्ड एंड द डेटाबेस. तो अभी मैं सबसे पहले हम माय एसक्यूएल में जाएंगे. तो मैंने कुछ क्रिएट करके रखा है वहां पे, लेकिन वो हम वैसे रखेंगे और कुछ क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें बस क्रिएट लिखना है. लाइक हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना क्रिएट समथिंग, तो वैसे यहाँ पे एक इंग्लिश के जैसे लिखना है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट अ टेबल फॉर मी, क्रिएट अ डेटाबेस फॉर मी, ऐसा ही है. तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिख देना है. लाइक किसी को कुछ भी पसंद है नाम, लेकिन नाम कभी भी ऐसा रखना जो कि उसको उस डेटाबेस को एक समझ में आए कि ये डेटाबेस उसका हो सकता है. लाइक कोविड का डेटाबेस है हमें, तो हम कोविड लिख देंगे यहाँ पे. और कोविड नाम से मैंने क्या कर दिया, एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया. यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है, यू कैन सी हियर कि कोविड नाम से आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. तो अभी मुझे उस कोविड को यूज करना है, कोविड डेटाबेस को यूज करना है. तो हम यूज करेंगे जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही सिंपल सा बनाया है ये एसक्यूएल, तो सीखने में बहुत ईजी है. तो यूज बोल दिया, तो देखो ये बोल्ड में हो गया, मतलब हम उस डेटाबेस में आ गए. तो अभी कुछ मुझे डेटाबेस में कुछ डालना है. यहाँ पे टेबल है, तो टेबल मुझे लेना है. तो मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक कर दूंगा और टेबल डेटा इंपोर्ट फ्रॉम विजार्ड. तो ये आपको एक अपने जो पीसी में जो कुछ भी ड्राइव्स है उसमें वो चले जाएगा उस फोल्डर में. सो आपको कलेक्ट करना है कुछ भी डेटा, आपका सीएसवी फाइल है, तो वो चीज मैं यहाँ पे नहीं करके बताऊंगा. तो फिलहाल मैंने ये जो है डायग्नोसिस बोल के एक बना के रखा है डेटाबेस, और उसको मैं यूज करूंगा. उसमें मैंने एक लंडन हाउस डेटा, हाउसिंग डेटा बोल के एक सीएसवी फाइल रीड कर लिया है और ले लिया है. तो उसको अभी रीड करने के लिए एक क्वेरी हमें रन करनी होती है, उसका नाम है सिलेक्ट स्टार. स्टार यानी सब जितने भी उसमें कॉलम है वो सब लेने फ्रॉम किस में से, लंडन हाउसिंग डेटा से. तो ये मैं जब रन करूंगा तो ये मेरा रन हो गया, और यू कैन सी हियर कि मेरा डेटा, डेटा एरिया, एवरेज प्राइस, कोड और जितने भी उसमें ऑल दी कॉलम्स वी कैन सी हियर. ओके, तो ये टेबल हमें एक टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है यहाँ पे. ओके, तो अभी इसमें हमें एक और एक जो चार चीजें थे वो कैसे निकालना है. तो ये डेटाबेस जो टूल ऊपर जो टूल्स है टूल बॉक्स, तो उसमें आपको फिफ्थ नंबर का डेटाबेस है उसमें जाना है, और कनेक्ट टू डेटाबेस में आपको देखना है होस्ट नेम क्या है. तो यहाँ पे होस्ट नेम है आपका 127.0.0.1. ये जो आईपी एड्रेस है वो लोकल होस्ट का है. तो आप एक तो लोकल होस्ट लिख लीजिए या ये आईपी एड्रेस रख लीजिए, वो उसके लिए काम करता है. ये पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ कहाँ हमें पोर्ट की भी
इम्पोर्टेंस नजर आएगी जब हम कनेक्टिविटी थर्ड पार्टीज या थर्ड सर्वर से कनेक्ट करते हैं या किसी डेटा को इंपोर्ट करना है किसी जगह पे, तो ये पोर्ट का भी बहुत मायने रखता है। बट अभी हमें वी ओनली नीड होस्ट नेम, यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड जो आपका पासवर्ड रखा है वो। मेरा पासवर्ड मैं आपको क्यों बताऊं, मतलब वो दिखेगा ये आपको, बट वो देखिए आप कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन पासवर्ड है मेरा। और जो डेटाबेस हमने नाम से क्रिएट किया है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, जो डेटाबेस मैंने नाम से क्रिएट किया है, क्या डेटाबेस, डायग्नोसिस, तो वो हमें यूज करना है वहां पे। तो हम वापस से चले जाएंगे इसमें, हमारे पास क्या है, होस्ट। होस्ट में हम क्या लिखेंगे, होस्ट क्या है मेरा, कौन है होस्ट, तो मैं लोकल होस्ट डाल दूंगा यहाँ पे, तो मैं लोकल होस्ट डालूंगा, आपको लिखना है तो वो आप डाल सकते हैं, कभी कभी उसमें दिक्कत देता है इसलिए मैंने ये। यूजर, यूजर क्या है मेरा, रूट, तो मैं रूट डाल दूंगा। और फिर पासवर्ड, आपको दिखेगा पासवर्ड पर कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, माय एसक्यूएल लिखा है मैंने और कैपिटल में 27 दे दिया ऐसे ही। और उसके बाद है मेरा डेटाबेस, तो डेटाबेस जैसे ही मैं डालूंगा, और डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। अभी हम इसको रन करेंगे, ये रन होता है नहीं होता है देखते हैं, लेट्स सी। ओके, हमें कुछ कांट कनेक्ट टू माई एसक्यूएल लोकल होस्ट, कुछ फेल दे रहा है ये, क्यों पता नहीं, क्योंकि मैंने पासवर्ड जो लोकल होस्ट जो लिखा है मैंने वो गलत लिखा है, लोकल, यू कैन सी हियर, मैंने गलती की, उसकी मुझे सजा मिली। अभी ये रन हो चुका है, इफ यू पुट हियर एसक्यूएल, तो वो आपको सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसलिए ये कनेक्शन हो चुका है। नाउ हमें क्या करना है, उसमें से डेटा निकालना है, जो हमारा डेटाबेस है वो वहां पे क्रिएट हुआ है। कभी हमने अभी फिलहाल एक सीएसवी फाइल ही डाला है उसमें, कभी कभी जब हम सर्वर से कनेक्टेड होते हैं तो रियल टाइम डेटा आता रहता है, तो रियल टाइम ऐसे डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इधर मैं डेटा फ्रेम डाल दूंगा, और क्योंकि हम एक सीएसवी फाइल डेटा फ्रेम ले रहे हैं तो मैं बस ऐसा लिखूंगा। अभी और एक चीज की, और एक लाइब्रेरी की हमें जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है और ये आपको जरूर सीखनी चाहिए, पांडास। तो हम पांडास ये कर लेंगे, pd डॉट डॉट रीड डॉट csv होता है वैसे ही, एसक्यूएल हम ले लेंगे एसक्यूएल, और इसमें हम क्वेरीज डालना है, हमें क्या डालना है, क्वेरीज। क्वेरीज डालते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस में लिखना है क्वेरीज, इन्वर्टेड कॉमास लिखना है। तो अभी मेरी क्वेरी क्या रहेगी, सिलेक्ट, जैसे मैंने वहां पे रीड किया था वैसे ही यहाँ पे करना है मुझे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, किससे करने वाले हम, हमारा जो डेटा टेबल का नाम है वो, लंदन, लंदन क्या नाम था उसका, ओ भाई पढ़ना पड़ेगा मुझे जाके वहां पे, लंदन हाउसिंग डे, हाउसिंग डेटा, ओके लंदन हाउसिंग, ये हाउसिंग डेटा बोल के है जो हम करेंगे। और ये कहाँ से, ये एसक्यूएल जो है वो हम कनेक्ट हो चुका है इससे, और यहाँ पे पार्सर बोल के आता है, तो वो पार्सर डेट आपको डालना है। तो ये पार्सर डेट क्यों डालना है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर का इंफॉर्मेशन दिया है आपको, आप जाके यहाँ पे पढ़ोगे तो ये क्या करता है, आपको लिस्ट और डिक्ट डिफॉल्ट न, ये आपको पढ़ना पड़ेगा यार एक्चुअल में क्या करता है क्या नहीं, पर ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करके दे रहा है, तो आपको तो ट्रू कर देना इसको, और मैंने ट्रू कर दिया। और अभी हम रीड करेंगे, ये मेरे ख्याल से रीड हो चुका है, ये लो हमारा डेटा एक इन द फॉर्म आ चुका है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हेड डाल देंगे, और हमें ये पांच ही डेटा मिलेगा, लेकिन ये डेटा फ्रेम मुझे एक क्या बोल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो हम इसको एक काम करेंगे, 2 मिनट देना मुझे थोड़ा सा टाइम, 1 2 3, क्यों कर रहा हूँ, लेट मी चेक। ओके फिर भी उसी फॉर्मेट में दे रहा है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। ये एक मुझे बस ये दिक्कत थी, ये यहाँ पे आना चाहिए था, ये जो है यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, हमने कनेक्ट कर चुके हैं और हमने रीड कर लिया है अच्छी तरह से। सो दिस इज द वन पार्ट आई वॉन्ट टू शो हियर इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वील गोइंग टू लर्न कि बाबा इसमें से हम इस डेटा को कैसे, जैसे हम करते हैं मैनिपुलेट वैसे कर सकते हैं, जो इन्फो बिन्फो निकालते हैं हम, जो नल वैल्यू है इज नल, तो हम इसमें df डॉट इज नल डाल के सम कर लेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नॉट अ सिंगल वैल्यू इज नल वैल्यू, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेट है, एरिया है,
एवरेज प्राइस है, कोड कोड क्या होना चाहिए ये पता नहीं मेरे को, ये कोड कौन सा है, कुछ एरिया वाइज कोड होगा, हाउस सोल्ड हुआ है नहीं हुआ है, कितने सोल्ड हुए उस एरिया में ये है, और नंबर ऑफ क्राइम कहाँ पे कितना नंबर ऑफ क्राइम है वो लिखा है यहाँ पे, तो यही चीजें दी है हमें और कुछ नहीं। तो अभी DF और ये कौन सा था क्राइम वाला, क्या था वो कौन सा था, नंबर ऑफ क्राइम्स, तो हम उसमें एक चीज चेक कर सकते हैं, लाइक मैं ये डाल के यहाँ पे चेक कर सकता हूँ यूनिक वैल्यू है क्या इसमें कोई, तो ये बोल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा इसमें कितना यूनिक वैल्यू है, ये 0 है, डायरेक्ट 7 है ऐसे बोल रहा है, तो कुछ यूनिक वैल्यूज भी है या नहीं वो चेक करना होगा हमें, सम कर लेंगे तो हमें ध्यान में आएगा क्या, नहीं इसका सम नहीं करते, वैल्यू काउंट कर सकते हैं इसमें हम, भी कुछ चीजें हैं हम जो कर सकते हैं, लाइक अभी इसमें मैं वैल्यू काउंट ली टू तो क्या हो जाएगा चेक, हाँ अभी देखो 0 नंबर की कितनी है, कौन से नंबर की कितनी कितनी वैल्यूज है वो आ चुकी है हमारे पास, तो ये चीजें हम कर सकते हैं और इसको हम अच्छी तरह से और भी कुछ काम कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मुझे आपको बताना था कि हमने एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट किया, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू सी एक अच्छे डेटा सेट में हम फ्लास्क से कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे, और आगे भी बहुत कुछ करना है पर ये मैंने कर लिया है, तो अभी इस पे हम एक और एक अच्छा डेटा सेट लेंगे, ये मुझे डेटा सेट पसंद नहीं आ रहा है एक्चुअल में, पर इस पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस पे नहीं कर सकते, बहुत कुछ काम कर सकते हैं इस पे, बट इन नेक्स्ट वी विल सी कि बाबा क्या कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं इम्पोर्ट सी बॉन एज SNS, तो ये कर लिया मैंने, और मैं जो है क्या बोलते हैं अभी एरिया भी निकाल सकते हैं हम, सॉरी अभी ये एरिया वाइज भी निकाल सकते थे हम, कौन सी एरिया है हमारे पास, तो यहाँ पे हम जाएंगे और एरियाज देखेंगे कि लेट्स सी, और टाइम ले रहा है उसको ये करने के लिए, सो अभी उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो टाइम लेने दीजिए उसे जितना टाइम ले रही है ले रहा है वो, तो ये DF.area एरिया वाइज भी आ रहा है आपके पास, तो ये 999 के फॉर्म में ही आ रहा है कि बाबा सिटी ऑफ लंदन 299 कितना क्या क्या है, तो ये चीज़ें हैं जो कि हम अच्छी तरह से बता सकते हैं कैसे क्या आया है, तो इसको मैं बार प्लॉट कर सकता हूँ क्या, SNS.bar प्लॉट, और इसमें मैं DF ऑफ डायरेक्ट कैसे होता है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बार प्लॉट में क्या देना होगा, DF देगी क्या, लेट मी चेक, इसमें DF दे दिया तो बहुत बड़ा ये कर लेगा, ये क्या था, ये एरिया था ना, एरिया पास कर देंगे हम, गलत दे चुका है, और अभी 2 मिनट, हाँ या है ये कुछ आ रहा नहीं है, क्या क्या पास करना है समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा हो रहा है, तो एक्स पे मुझे क्या चाहिए वो बोल रहा है, एक्स पे मुझे क्या चाहिए, एन वाई पे मुझे क्या चाहिए, एन पे डेटा DF देना है, एक्स पे मुझे एरिया चाहिए, तो DF ऑफ एरिया डाल दूँ तो ये एरिया मिल जाएगा, और DF ऑफ ये सेट कर दूँ तो मुझे DF तो ले रहा नहीं है, पता नहीं क्यों ले रहा है, लेट्स सी, और इसमें तो अभी ये प्राइस डाल दूँ मैं तो लेता है क्या, देखते हैं एक्चुअल में मुझे ये सिचुएशन पता होने चाहिए थे, नहीं पता मुझे, के लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेट्स सी क्या बोल रहा है देखते हैं, ये वापस से गलत हो चुका है, ये प्राइस के लिए कुछ तो भी एरर दे रहा है, जो कि प्राइस प्राइस कैपिटल लेके चेक करना होगा मुझे, इसमें प्राइस नाम से कोई है ही नहीं, ओके एवरेज प्राइस है जो कि मैंने प्राइस डाला है,
वापस से जाऊंगा और यहाँ पे हम डालेंगे, लेट्स सी क्या करता है। फिगर साइज विद एक्सेस वन, कुछ तो गड़बड़ है और मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में देख के अच्छी तरह से समझ के प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। पर आपको इस वीडियो में जो बताना था एक्चुअल में कि हमें कैसे कनेक्ट करते, क्या लाइब्रेरी यूज़ करते, तो वो हमने सीखा। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी सम एक डेटा सेट लेंगे और उसको अच्छी तरह से हम रीड करके आगे काम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ प्रोजेक्ट नंबर टू एंड विल कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट नंबर टू। बट ये जो मैंने डेटा सेट लिया इस पर ही काम करेगी या कोई दूसरा डेटा सेट लेगी ये मेरा कन्फर्म नहीं है अभी, तो लेट्स सी मैं इस पे काम करके देखूंगा पहले, क्योंकि ये डेटा सेट मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। सो मुझे भी देखना होगा कि ये डेटा सेट क्लासिफिकेशन वाला या क्या लगाना है या कौन से एल्गोरिदम से अच्छी एक्यूरेसी देगा, ये मैंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। सो वो मैं देख के आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून, शेयर विथ योर कलीग्स, योर फ्रेंड, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।